एक तरफ बीजेपी जहां 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए सरकार से आदिवासियों को लेकर पूछे 10 सवाल, जिसके बाद अब बीजेपी ने जहां इस ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस यही करती रही, जिंदगी भर कांग्रेस यही करती रही, फूट डालकर राज करना कांग्रेस के जींस में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जींस के तत्व मिलेंगे, क्योंकि देश में फूट डालकर के राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा, ये किसको बताएंगे। और जनजाति समाज जिस प्रकार से आज गौरवान्वित हो रहा है, जोवट के अंदर जिस प्रकार से जनजाति समाज ने इनको आईना दिखाया, पृथ्वीपुर के अंदर इनके गुंडिज्म को आईना दिखाया, तो कांग्रेस अब हतोत्साहित है, घबरा रही है, तो आनन फानन में और क्या करेंगे। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट देख करके आप लोगों को भी लगता होगा क्या इनका इलाज नहीं कराना चाहिए, कुछ भी बोलते हैं भाई। अरे आप राजनीतिक क्षेत्र में, आप प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या? और आप किसी प्रकार के कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कहीं भी करने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं। वीडियो शर्मा सच्चे ट्वीट कर दें, हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही? सच्चे ट्वीट करें ना दिग्विजय सिंह के, और यह दिग्विजय सिंह के ट्वीट को झूठा सिद्ध कर दें। इतना साहस करें, केवल बयानबाजी तालू से जवान ठोकने के अलावा कोई काम थोड़ी है। वीडियो शर्मा जी में अगर साहस है तो उन 10 सवालों के जवाब दें और सच्चा ट्वीट खुद कर दें, उन्हें भी तो ट्वीट लिखना आता है। इस मामले में उन्हें अंग्रेज, उनकी पार्टी को अंग्रेजों ने ट्रेंड किया है और वही काम कर रहे हैं। 80 किताब से ज़्यादा किताबें छापी हैं आरएसएस ने, केवल जातियों को और जातियों के बीच में इथिकल डिफरेंसेस के ऊपर, किस काम के लिए छापी हैं? ये करोड़ों रुपया किस लिए खर्च किया है? कौन तोड़ना चाहता है जातियों को? इसका सवाल, इसके जवाब दें बी डी शर्मा जी।